कि कोई सिस्टम नहीं है, वहां सब कुछ गड़बड़ है। आपको उठा के कभी इधर फेंक दिया जाएगा, कभी उधर फेंक दिया जाएगा, कभी मारा जाएगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी कोई घटना होगी, आपको चैन नहीं लेने देंगे। आप कहेंगे अरे भैया 2 मिनट सांस तो लेने दे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बधाई से आशीष दे, आमीन। हमने पिछले संदेश में देखा था अधलोक अर्थात नरक में भयंकर पीड़ाएं। जी हाँ, नरक में भयंकर पीड़ाओं के बारे में वो प्रथम भाग आपने सुना होगा और देखा भी होगा आपने, परंतु आज हम इसका दूसरा भाग लेकर आए, क्योंकि अभी जो नरक में भयंकर पीड़ाएं हैं वो समाप्त नहीं हुई है। पिछले संदेश में हमने 7 पॉइंट ऐसे देखे थे जो नरक में जाने वाले यानी जो पापी दुष्ट व्यक्ति इस पृथ्वी के ऊपर हैं, आंतक फैलाए हुए हैं, जो वो सब नरक में जाएंगे और उनको किन किन भयंकर पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा वो पिछले संदेश में हमने 7 पॉइंटों में देखा था। आज आगे कुछ और पॉइंट भी देखेंगे कि और कितनी भयंकर पीड़ाएं हैं जो हमें नरक में यानी एक पापी इंसान को उठानी पड़ सकती है और वो उठाएगा। और ये ना समझें कि ऐसा कुछ होगा नहीं, ये सब मनगढ़ंत बातें नहीं है, क्योंकि धर्मशास्त्र की बातें मनगढ़ंत नहीं होती हैं, पवित्र होती हैं और परमेश्वर की ओर से लिखवाई गई होती हैं। उसकी आत्मा की प्रेरणा से लोगों ने लिखा है, उनको दर्शाया गया है, उनको दिखाया गया है, उनको बताया गया है स्वर्ग के बारे में और नए जीवन के बारे में और नरक के बारे में और बहुत सी पीड़ाओं के बारे में जो है। तो आज देखते हैं आगे कि नरक की और भयंकर पीड़ाएं क्या होंगी। इसका 8वां पॉइंट है, उनकी पीड़ाओं का धुआं युगान युग उठता रहेगा। जी हाँ, देखिए जहां आग होगी वहां तो धुआं उठेगा, मगर ये धुआं काय का उठ रहा है? ये धुआं उनकी पीड़ाओं का है, यानी उनके दुख और मुसीबतों का धुआं है जो उठ रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या करा है, इस पृथ्वी पर रहकर दूसरों को बहुत दुख और मुसीबत में डाला है, बहुत सी मुसीबतें दी हैं, परेशानियां खड़ी करी हैं, उनका जीवन दुर्भा कर दिया है, इसलिए उनकी पीड़ाओं का धुआं जो है उस आग में उठता रहेगा। प्रकाशित वाक्य 14 और 11 पद में लिखा है, उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग तक उठता रहेगा और उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। उस पशु की छाप लेने का मतलब यानी प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 18वां जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है उस पशु अर्थात उस मनुष्य का अंक जो है वो 666 है, और वो 666 के बारे में हम बात नहीं करेंगे, परंतु जिसके माथे पर ये मुहर लगेगी वो समझो वो शैतान का व्यक्ति है और वो किसी और का नहीं है। 666 जो अंक है वो शैतान का अंक कहलाया गया है, और जिसके पास ये अंक होगा वो नरक की पीड़ाओं का सामना उसे करना पड़ेगा, उन नरक की पीड़ाओं को उसे झेलना पड़ेगा, यानी उन पीड़ाओं को उठाना पड़ेगा कि भयंकर जो पीड़ाएं नरक के अंदर हैं। 9वां पॉइंट है यहाँ पर, नरक में कोई काम युक्ति ज्ञान और बुद्धि काम नहीं आएगी। आप सबोपदेशक 9 अध्याय उसका 10 पद जब आप पढ़ेंगे तो लिखा, जो काम तुझे मिले उसे अपने शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है ना काम ना युक्ति ना ज्ञान और ना बुद्धि है। अब यहां पर क्या है, देखिये परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, सबोपदेशक क्या कह रहा है कि अधोलोक में यानी नरक में या मृत्यु के बाद आप जहां जाने वाले हैं, आप मान लीजिए आप नरक नहीं भी जाते हैं, आप मर जाते हैं, कब्र में पड़े हैं, तब भी आप वहां आपके पास कोई काम नहीं है, आप कोई काम नहीं कर सकते हैं किसी भी प्रकार का। आप यहां पर आज पृथ्वी के ऊपर बड़े बड़े ज्ञान की बातें कर रहे हैं, बहुत ज्ञान सिखा रहे हैं लोगों को, परंतु मरने के बाद जो है और खास तौर से नरक में किसी भी प्रकार का ज्ञान जो है वो काम नहीं आएगा और किसी भी प्रकार का ज्ञान जो है वो आपको बचा नहीं पाएगा। कोई युक्ति यानी कई प्रकार की कोई युक्ति है कि कोई युक्ति लगा लें, कोई जुगाड़ लगा लें निकलने का, वहां से कोई भी जुगाड़ या कोई युक्ति या काउंसलिंग जो है वो वहां पर किसी भी प्रकार की आपको बचा नहीं सकती है कोई भी जो है। और आप कितनी भी बुद्धिमान है, आप इस पृथ्वी पर बहुत बुद्धिमान कहलाए जाते हैं, साहब आपने क्या करा है, हवाई जहाज बना लिए हैं, ट्रेनें बना ली हैं, फास्ट ट्रेनें बना ली हैं, चांद पे पहुंच गए, दूसरे ग्रहों पे भी पहुंचने की तैयारी है, बहुत सी चीजों की खोज कर ली है, आप बहुत ज्ञानवान वाले हैं, बहुत बुद्धिमान वाले हैं, बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, परंतु ये सब धरा का धरा रह जाएगा। जब नरक में जाएंगे तो आपकी कोई भी बुद्धि कोई भी ज्ञान आपको बचा नहीं सकता है,
परमेश्वर का वचन जो है वो इस बात को बता रहा है। प्रकाशित वाक्य 14:13 पद में क्या लिखा, फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। ठीक है, परमेश्वर ने जो काम हमें सौंपे हैं हमें उनको पूरा करना है, मगर हम करते क्या है, अपनी समझ का सारा लेते हैं ना। नीति वचन 3:5 में लिखा है हम अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर का काम करते हैं, अपनी समझ के अनुसार, मगर हमें परमेश्वर की समझ के अनुसार काम करना है। जब हम अपनी समझ के अनुसार धर्म के काम करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार धर्म के काम करते हैं, तो यशया 64:5 उसके 5 पद में लिखा हुआ है कि तुम्हारे धर्म के काम तो मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। अब सोचिए, यानी मैले चिथड़े कपड़ों के समान है, तो हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम काम करते हैं तो वो काम हमारे जो है, जब हम मरते हैं तो वो काम हमें जो है हमारे साथ हो लेते हैं और उन कामों के द्वारा हम बचाए। अगर हमने अच्छे करे हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करे हैं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उन कामों को पूरा किया है, तब परमेश्वर हमें बचाएगा। परंतु यदि हम अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं, अपनी समझ के अनुसार कर रहे हैं और बुरे काम कर रहे हैं, लोगों को सताने के काम कर रहे हैं, बुराई के काम कर रहे हैं, तो सोच लीजिए कि हम जो हैं, हमारे काम जो हैं हमें सीधे नरकवासी बनाएंगे, स्वर्गवासी नहीं बनाएंगे, नरकवासी जो हैं वो हमें बनाएंगे। और यहाँ जो है 10वां पॉइंट लिखा हुआ है, नरक में किसी भी प्रकार का कोई सिस्टम नहीं है, वहां सब कुछ गड़बड़ है। मैं ये पद पढ़ देना चाहता हूं, अय्यूब 10:22 में क्या लिखा है, और मृत्यु के अंधकार का देश जिसमें सब कुछ गड़बड़ है और जहां प्रकाश भी ऐसा है जैसे अंधकार। वाह, देखिए मृत्यु का जो देश है जहां हम जा रहे हैं, जो लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं बुराई कर करके अपने आप को नरक में जाने के लिए तैयार कर लिया है, तो वहां समझ ले वहां किसी भी प्रकार का सिस्टम नहीं है, सब कुछ गड़बड़ है। अब इस पृथ्वी के ऊपर रहकर वो जो सिस्टम जो हमारे सरकार द्वारा सिस्टम जो व्यवस्था बनाई गई है, जो कोर्ट के द्वारा व्यवस्था बनाई गई है, जो हमारी भारत सरकार के द्वारा व्यवस्था बनाई गई है, उनका उल्लंघन जो कर रहे हैं, उनके सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उस सिस्टम में गड़बड़ पैदा करते हैं, उस सिस्टम के अनुसार नहीं चलते हैं, कोई बात नहीं, मत चलिए। अभी आप सरकार आपको अनदेखा कर रही है, कोई दंड नहीं दे रही है, देती भी है दंड तो आप उसकी अहमियत नहीं समझते हैं, परंतु जब नरक में जाएंगे तो अहमियत समझ में आ जाएगी कि कोई सिस्टम नहीं है, वहां सब कुछ गड़बड़ है। आपको उठा के कभी इधर फेंक दिया जाएगा, कभी उधर फेंक दिया जाएगा, कभी मारा जाएगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी कोई घटना होगी, आपको चैन नहीं लेने देंगे, आप कहेंगे अरे भैया 2 मिनट सांस तो लेने दे, वो सांस आएगी नहीं तो लेंगे कहां से, क्योंकि मैंने पिछले संदेश में भी कहा कि नरक वासियों के लिए सांस नहीं है, लेना मुश्किल हो जाएगा उनको। तो ये सोचिए कि कोई सिस्टम वहां नहीं है। अब यहां एक बात और अय्यूब कहता है कि वहां पर प्रकाश भी ऐसा होगा जैसा अंधकार। बड़ा अजीब सा लग रहा है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना, वहां आग ही आग होगी, आग ही आग, बहुत प्रकाश होगा। अब सोचिए आग तो होगी परंतु उस आग का प्रकाश भी ऐसा होगा जैसे अंधकार, और वो भयभीत करने वाला अंधकार होगा, भय प्राप्त करने वाला अंधकार होगा। अब सोचिए कि वहां का प्रकाश जो है वो कैसा होगा, किस तरीके से होगा। इसलिए क्या लिखा, पहला योना की पत्री 5:5 उसका 5 पद है, यहां लिखा जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वे यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। जी हाँ, परमेश्वर जो है वो ज्योति है और उसमें किसी भी प्रकार का अंधकार नहीं है, परंतु नरक के अंदर जो प्रकाश है, जो आग है, उसके अंदर अंधकार है। ये सोचे कि कैसे, मतलब कैसे अद्भुत है। यीशु मसीह भी योना 8:12 पद में कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूं। यीशु मसीह वो जगत की ज्योति है, और वो ज्योति जो है, जिसके पास वो ज्योति है, वो क्या है, वो प्रकाशमान है, उसके जीवन में अंधेरा नहीं है, क्योंकि वो नरकवासी नहीं है, फिर वो स्वर्गवासी है, परमेश्वर के साथ रहने वाला इंसान अपने आप को बनाता है। और यशया 60:1 में लिखा, उठ और प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। और मती 5:14 में लिखा हुआ है, क्योंकि तुम जगत की ज्योति हो। जब हम जगत की ज्योति हैं तो हमारे जीवन से लोगों को प्रकाश मिलना चाहिए। प्रकाश मिलने का मतलब शांति है, व्यवस्था जो है वो शांति की व्यवस्था उनके जीवन में पहुंचनी चाहिए हमारे द्वारा। परंतु अगर अशांति या अंधकार हम पहुंचा रहे हैं तो सोचिए अंधकार में जाएंगे, वहां प्रकाश भी ऐसा होगा जहां अंधकार उसमें से उत्पन्न होगा। यहां पर 11वां पॉइंट है, नरक में कीड़े
पापी मनुष्य का बिछौना होंगे। बस सोचिए नरक में जो कीड़े होंगे, पूरे कीड़े जो हैं गिजगिजाकर आपके शरीर को खाएंगे आपके, मगर आपका शरीर नष्ट नहीं होगा। आपको लगेगा कीड़े चुभ रहे हैं, आप पीड़ा से चिल्ला रहे हैं और कीड़े गिजे पीछे पड़े हैं, कहीं नाक में घुसे हैं, कहीं कान में घुसे हैं, कहीं पेट फाड़ के घुसे हुए हैं और आप चीख रहे चिल्ला रहे हैं, परंतु वो कीड़े मरने के नहीं है। लिखा है यशया 14:11, तेरा वैभव और तेरी सारागियों का शब्द अधोलोक में से उतारा गया है, कीड़े तेरा बिछौना और केंचुए तेरा ओढ़ना होंगे। सोचिए कीड़े तेरा बिछौना और केंचुए तेरा ओढ़ना होंगे। अब सोचो कैसे गिचपिच कीड़े होंगे, किस तरीके से। और अय्यूब 24:20 में कहता है, माता भी उसको भूल जाती है और कीड़े उसे चूसते हैं। जी हाँ, देखिए कीड़े क्या करेंगे, उसे चूसेंगे। पूरा पद पढ़ देता हूं, भविष्य में उसका स्मरण ना रहेगा, इस रीति से टेढ़ा काम करने वाला वृक्ष के समान काटा जाता है। यानी जो टेढ़ा काम करने वाले हैं उसको वहां नरक में कीड़े क्या करेंगे, उसे चूसेंगे। अब सोचिए उसको चूसते रहेंगे, हैं कहीं पेट में घुस गए, कहीं कहीं घुस गए, और आप ये सोचिए कि वो क्या चीखता चिल्लाता रहेगा, परंतु मृत्यु नहीं आएगी, मरेगा नहीं, तड़पता रहेगा। सब कुछ उसके साथ जो है वो पीड़ाएं होती रहेंगी। अय्यूब 25:6 पद में लिखा है, फिर मनुष्य की क्या गिनती जो कीड़ा है, और आदमी कहाँ रहा जो केचुआ है। देखिए वो इस तरीके की जो स्थिति है वो हमारी बन जाएगी, और परमेश्वर का वचन जो है वो इस बात को बताता है। 12वां पॉइंट है, नरक के हर स्थान फिसलन भरे होंगे। यहाँ लिखा है भजन संहिता 73 अध्याय उसका 17 और 18 पद है, जब तक मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा, निश्चय ही तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। देखिए फिसलन वाले स्थान, वहां पर आप सीधे खड़े नहीं हो सकते, जैसे खड़े होंगे फिसल के बुरी तरीके से गिर जाएंगे, और फिसलते हुए पता नहीं कहां जाएंगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा कौन से स्थान में गए हैं, स्थान ही पता ही नहीं चलेगा, ये कौन सा स्थान है, क्या स्थान है। पता चला कि फिसलते हुए जिस स्थान में चले गए तो वहां आपको किसी ने पकड़ लिया, वहां वो आपके साथ जो है भयंकर पीड़ाएं आपको दे रहा है, किसी और स्थान में चले गए, ऐसी बहुत सी चीजें जो हैं वहां होंगी। और जानते हैं वहां क्या होगा, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। मत्ती 24:51, तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराया जाएगा, वहां रोना और दांत का पीसना होगा। वहां सिर्फ दांत, अरे परमेश्वर बचा ले, तूने हमें क्यों डाल दिया। आज हम भी बहुत से लोगों के ऊपर ऐसी दांत पीसते हैं ना, किटकिटाते हैं, वहां पर इस तरीके से दांत पीसेंगे, चिल्लाएंगे कि कोई हमें बचा ले, मगर कोई बचाने वाला मिलेगा नहीं, कोई होगा भी नहीं बचाने वाला, ऐसी पीड़ाएं होंगी। और नरक में सिर्फ और सिर्फ अत्याचार ही होता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने पृथ्वी के ऊपर दूसरों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, हैं? आप दूसरों को जीने नहीं दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, मुसीबत दे रहे हैं, उन्हें चैन से नहीं रहने दे रहे हैं। कोई बात नहीं, वो तो बेचारे जो हैं जिनके ऊपर आप अत्याचार कर रहे हैं, चैन से नहीं रहने दे रहे हैं, वो बर्दाश्त करे हुए हैं और ईश्वर की दुहाई दे रहे हैं, परंतु जब आप नरक में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि आप क्या क्या करके आए। एहसास करने से कोई फायदा ही नहीं होगा, एहसास भी नहीं होगा, क्योंकि स्मरण तो मिट जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा, बस वो पीड़ाएं चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, और अपने आप को कोसते रहिए या ईश्वर को कोसते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आप कितना भी ईश्वर को कोसे या दूसरों को कोसे या अपने आप को कोसे, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका जीवन जो है सदाकाल के लिए, हमेशा हमेशा के लिए वहां इसी तरीके से व्यतीत होगा, वहां निकलने के नहीं है। और ये मजाक नहीं है, आपको अगर मजाक लगता है तो मजाक समझते रहिए, मगर जब आप जाएंगे तब पता चल जाएगा कि हाँ ये मजाक नहीं था। किसी पास्टर ने, किसी ने ये बात कही थी कि ये मजाक नहीं है। अगर आपको इस समय मजाक रख रहा है तो मजाक समझ के एंजॉय कीजिए, मगर उसके बाद जो है वहां पर जो वहां का जो दुष्ट आत्माएं होंगी, जो भयंकर आत्माएं होंगी, भयंकर किस्म की, सताने वाली, काटने वाली, मारने वाली, शरीर को तोड़ और मरोड़ के दीवार पे पटकने वाली, आग में नचाने वाली, तब आपको एहसास होगा हाँ किसी ने सही कहा था। तो ध्यान, इस चीज का ध्यान रखना, बिल्कुल भी वहां परमेश्वर का ध्यान बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ क्या लिखा है, यशाया 38:18-19, क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है,
जो कब्र में पड़े हैं वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते, जीवित, हाँ जीवित तो तेरा धन्यवाद करता है, जैसा मैं आज कर रहा हूं, आप कर रहे हैं परमेश्वर का। आप ये सोचिए, अधलोक, नरक, ये वहां पर परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद मरने के बाद नहीं कर सकता इंसान। मरने के बाद उसका दी एंड, उसका चैप्टर क्लोज, खत्म हो गया, उसकी किताब बंद हो गई है। अब जो है वो वहां पर अगर अच्छा काम करा तो वो शांति के स्थान में है, परमेश्वर ने उसे अच्छी जगह पर रखा है, सुख सुविधाओं की जगह पर रखा है, जहां आत्मा और शांति है और परमेश्वर की शांति का अनुभव वो प्राप्त कर रहा है। परंतु जिनों जो दुष्ट कर रहे हैं, जो भयंकर किस्म की पीड़ाएं दे रहे हैं लोगों को, पाप कर रहे हैं और पाप करने से अपने आप को रोक नहीं रहे हैं, वो जो है उस पीड़ा में जाएंगे। और फिर वो कितना भी परमेश्वर की स्तुति करें, आशा रखें परमेश्वर हमें बचाएगा, परमेश्वर हमें यहाँ से निकालेगा, कभी नहीं निकालेगा, कभी नहीं निकल सकता। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये मजाक नहीं है, भयंकर पीड़ाएं जो हैं नरक के अंदर हैं, उस स्थान के अंदर हैं। अभी यदि आप नहीं संभले तो ये सोच लीजिए कि जीवन भर तक रोते और गिड़गिड़ाते रहेंगे, दांतों को पीसते रहेंगे, भयंकर किस्म की चिल्लाहट आपके जीवन से निकलेगी, परंतु आपका जीवन समाप्त नहीं होगा, आप कुछ भयंकर पीड़ाओं में पड़े पड़े और तड़पते रहेंगे। इसलिए आज का दिन है, आज यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुने तो अपने मन को कठोर ना करें, परंतु अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपे और सारी बुराइयों से दूर हो जाए, तभी आप बच सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे।